हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। इस वीडियो में 5 जुलाई 2018 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मदद करेगा। इसे द हिंदू सहित अदर न्यूज़पेपर के एनालिसिस से तैयार किया गया है। इसका PDF और नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत कल के क्वेश्चन से करते हैं जो मैंने आपसे किया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या किस देश में है? इनमें से सही आंसर है नाइजीरिया। देखिए, मई 2018 के अंत में नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है। आप में से ज़्यादातर ने सही आंसर दिए हैं, कुछ ने कमेंट बॉक्स में इंडिया लिखा था। तो बता दूं कि इंडिया पहले ज़रूर था, लेकिन अब नाइजीरिया नंबर वन पर आ गया है गरीबों की संख्या के मामले में। अब आज का करेंट अफेयर्स क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की खींचतान पर इनमें से क्या फैसला सुनाया है? देखिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है, LG फैसला लेने को स्वतंत्र नहीं है, कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा उन्हें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने 3 जुलाई को ये फैसला दिया है। इसमें चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के साथ जस्टिस AK सिकरी, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण शामिल थे। फैसले के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर ही काम करना चाहिए। दिल्ली के कैबिनेट के लिए गए सभी फैसले राज्यपाल को बताए जाने चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी सहमति जरूरी है। उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर जनता के हित में काम करना चाहिए। भूमि, कानून व्यवस्था, पुलिस को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य और केंद्र के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा कि LG का काम राष्ट्रीय हित का ध्यान रखना है और उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चुनी गई सरकार के पास लोगों की सहमति है। अदालत ने एक और बात साफ कर दिया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना मुमकिन नहीं है। इसके पीछे की पूरी कहानी तो आपको पता ही होगी। दरअसल इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2016 को कहा था कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख हैं और दिल्ली सरकार LG की मर्जी के बिना कानून नहीं बना सकती है। तो इसकी वजह से सरकार और उपराज्यपाल के बीच अनबन चल रही थी, बहुत हंगामा भी हो रहा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पूरी तरह पलट दिया है और अब जनता यानी लोकतंत्र की जीत बताई जा रही है इसको लेकर। अगला क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? इनमें से आंसर है सिविजिल ऐप। मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत, चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा और अशोक लवासा ने 3 जुलाई को ये ऐप लॉन्च किया है। ये जो ऐप है वो उन्हीं स्थानों पर चालू हो सकेगा जहाँ पर चुनाव की घोषणा होगी, ठीक है। लेकिन ऐप का जो बीटा वर्जन है वो चुनाव की कर्मियों के लिए ट्रेनिंग के लिए उपलब्ध रहेगा ताकि जो कर्मचारी हैं वो ट्रेनिंग ले सकें। तो अभी इसका टेस्टिंग फेज चल रहा है और टेस्टिंग पूरा होने के बाद इसको सार्वजनिक रूप से लोगों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। हाल में जो चुनाव होने वाले हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, वहाँ पर पब्लिक इसका उपयोग कर सकेगी जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी। अब सवाल है कि कैसे काम करेगा ये सिविजिल ऐप। तो चुनाव वाले राज्यों में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए ये ऐप अनुमति देगा और नागरिक इस ऐप का उपयोग करके कदाचार की घटना को देखने के मिनट भर में इसकी रिपोर्ट कर सकेगा और नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पीठासीन अधिकारी के कार्यालय तक जाना नहीं पड़ेगा, इसी ऐप से वो शिकायत दर्ज करा सकता है। इसमें खासियत होगी कि फ़ोटो और वीडियो आप भेज सकते हैं, लेकिन वो लाइव वीडियो होना चाहिए। किसी तरह का दुरुपयोग से रोकने के लिए ऐप को पहले से किए गए वीडियो और फोटो को अपलोड करने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। तो इस ऐप की मदद से पब्लिक के पास पावर होगी कि वो सीधे निर्वाचन आयोग को किसी भी चुनाव गड़बड़ी की रिपोर्ट कर सकेगा और शिकायत दर्ज होने के बाद जिला नियंत्रण कक्ष जो होगा वो कार्रवाई करेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने 66,000 स्कूलों में 62 लाख बच्चों को निःशुल्क दूध उपलब्ध कराने की कौन सी योजना शुरू की है? आंसर है अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। देखिए, 2 जुलाई को शुरू हुई है ये योजना और राजस्थान के विद्यालयों और मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्यान्ह भोजन के दौरान दूध दिया जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि राजस्थान में कुपोषण के शिकार बच्चों को पोषण मिल जाएगा और साथ ही सरकारी स्कूलों में
बच्चों की संख्या भी बढ़ सकती है। सरकार का मानना है कि जिस प्रकार से मिड डे मील से स्कूली बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, उसी तरह से बच्चों को गर्म और ताज़ा दूध देने से स्कूलों में जो छात्रों की संख्या कम हो रही है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने 2018 के एशियाई खेलों के लिए कितने खिलाड़ियों के भारतीय दल की घोषणा की है? इनमें से आंसर है 524 खिलाड़ी। देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ ने ये अनाउंसमेंट 3 जुलाई 2018 को किया है, यानी कल ही। इस टीम में 277 पुरुष और 247 महिलाएं हैं। इसमें एथलेटिक्स के सबसे ज़्यादा प्रतिभागी होंगे 52, बैडमिंटन में भारत की ओर से 20 और साइकिलिंग में 15 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि कुश्ती में 18, निशानेबाजी में 28 और टेनिस में 12 खिलाड़ी हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ होगा? तो इनमें से आंसर है जकार्ता और पालमबांग। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है और पालमबांग एक शहर है। ये है एशियन गेम्स का लोगो। दोनों शहरों में 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक एशियन गेम्स का आयोजन होगा। ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप सभी इसे नोट कर लेना। इसका उद्घाटन समारोह जो है वो जकार्ता के गेलोरा बंग कर्न स्टेडियम में होगा। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं सवाल, कि फर्स्ट एशियन गेम्स का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो 4 से 11 मार्च 1951 को हुआ था दिल्ली में। अब 18 अगस्त से जो जकार्ता में होने वाला है एशियन गेम्स, वो 18वां है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह यानी UNMOGIP का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर है उरुग्वे के मेजर जनरल जोस एलाडियो। उनकी नियुक्ति की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने की है। अब तक संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के अध्यक्ष स्वीडन के मेजर जनरल पर गुस्ताफ थे। अब सवाल है कि ये पर्यवेक्षक समूह क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर नज़र रखने के लिए इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र ने की थी जनवरी 1949 में। हालांकि भारत पिछले कई सालों से कह रहा है कि शिमला समझौते के बाद, यानी पाकिस्तान से जो शिमला समझौता हुआ था उसके बाद से संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह की महत्व कम हुई है, क्योंकि LOC बन चुका है, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोवा सरकार ने किसानों के लिए किस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसके तहत किसानों से कहा गया है कि अच्छी फसल के लिए वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें? इसमें आंसर है शिव योगा कॉस्मिक फार्मिंग। सरकार का अजीबोगरीब फैसला है ये बताइए। देखिए, गोवा के कृषि मंत्री हैं विजय परदेसाई, उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत किसानों को हर रोज़ कम से कम 20 मिनट तक एक खास मंत्र उच्चारण करने को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किस राज्य सरकार को सम्मानित किया गया है? इसमें आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को बढ़ाने हेतु रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी RIMES के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है ओडिशा सरकार। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूलों के लिए हैप्पीनेस पाठ्यक्रम आरंभ किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर है दिल्ली। इस पाठ्यक्रम में स्कूल के छात्रों के लिए ध्यान, नैतिक मूल्य और मानसिक अभ्यास शामिल किया गया है। इसे 2 जुलाई को दलाई लामा की उपस्थिति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया। इस पाठ्यक्रम के तहत नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के हर क्लास 5 मिनट के ध्यान के साथ शुरू होगी। तो इस पाठ्यक्रम में करीब 10 लाख छात्रों और करीब करीब 50,000 शिक्षकों के शामिल होने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि ये पाठ्यक्रम शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक और विध्वंसकारी भावनाओं के चलते पैदा होने वाले संकट को भी हल करेगा। तो ये था 5 जुलाई का करंट अफेयर्स। अब मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार क्षमता 65 लाख टन बढ़ाने के लिए किन 2 स्थानों को चुना गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जो भी कॉम्पिटिटिव उनमें ये सवाल आ सकते हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप इसके लिए गूगल कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे आपके
करंट अफेयर्स की टेस्टिंग भी हो जाएगी और आप नई चीज़ सीख भी पाएंगे। साथ में एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसका डिटेल नोट्स चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। इसका PDF वर्जन हिंदी और इंग्लिश में टेलीग्राम पर मौजूद है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये है बेल आइकन, इसे ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।